तो अभी बताइए कौन रानी मक्खी है? हाँ भैया, ये रानी मक्खी है, यही जो है अंडे देने का काम करती है। ये सब ये बाकी जो है ये सब अंडे बाकी नहीं देते हैं? वर्कर हैं ये, चाहे ये मक्खी है या सारंग हो या जो है यहाँ पाई जाती है कोई भी मक्खी हो, एक रानी मक्खी सब में होती है। रानी मक्खी और कौन मक्खी बताएं? और रानी मक्खी होता है, राजा मक्खी होता है, और जो है वर्कर ये सब सैनिक है, होते हैं सैनिक इसमें? मक्खी, वर्कर मक्खी सब, मतलब उम्र के हिसाब से काम इनका सब बटा रहता है। अच्छा, कोई मिला के काटते नहीं? अच्छा है। ऐसे नहीं, सब लोग पहले पहले सब लोग बहुत डरते हैं, लेकिन सब यहाँ गांव में सब परिचित हो गए हैं, सब आराम से आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके रखने से जहाँ रखते हैं जी फसल का पैदावार प्रोडक्शन जो है अच्छा बहुत अच्छा बढ़िया बढ़ जाता है, 20 से 30% पैदावार पर परागण द्वारा पैदावार भी बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए, भाई साहब बता, आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए कितना डिब्बा रखा गया है, और बता रहे हैं कि काटते उड़ते नहीं। अभी आम तौर पे जो नहीं जानते भाई, उनको लगता है सब मधुमक्खी एक ही जैसी हैं, लेकिन कई वैरायटी होती हैं। कह रहे हैं कि रानी मक्खी जब तक रहेगी सारी जो है उसमें मधुमक्खियाँ पड़ी रहेंगी। देखिए हम भी हैं, हम भी डरते हैं भाई, क्या है कि यहाँ पे काट सकता है हमको, लेकिन बता रहे हैं काटेगा नहीं। यही सीट लगाते हैं अच्छा और मधुमक्खियाँ इसी पे अपना छत्ता बनाती हैं। अच्छा अच्छा इसी पे अपना सिर्फ यहाँ छत्ता, खरीदना पड़ता है कहीं बना दूर से नहीं लाते नहीं हैं? बाहर से लाना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, अच्छा इसका जो है प्लांट जो लगाया तो है। जो लोग आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको बताएंगे, अगर कोई काम इस काम को करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भैया सब लोग आराम से कर सकते हैं, एक बार थोड़ा डर होता है, यहाँ हम पूरी तरह से अनुभव लेके जो है जो पाले हुए वहाँ से उनको एकदम सही जो है जानकारी मिलेगी। अनुभव लेकर के। हाँ, यहाँ हम उनको बता देंगे एकदम। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जी आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए जिससे कोई भी एक बात करके लेना चाहे, सलाह देना चाहे या और जानकारी लेना चाहे। जी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 90 44 13 58 43। धन्यवाद। जी तो आपने कोई बोर्ड वगैरह बनवाया है जिससे हम दिखा सके अपने लोगों जी को? सर, हम बोर्ड बनवाए हैं देखिए इधर। दोस्तों देखिए सब डिब्बे डिब्बे हैं, और वो मशीन भी आपको दिखाएंगे जिसमें से निकालते हैं, शायद यही मशीन है क्या? हाँ, यही मशीन है, इधर बोर्ड है वो अच्छा, दिखाए। यन के मधुमक्खी पालन केंद्र नरेंद्र कुमार मौर्या, आप देख रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ है और ले सकते हैं, सब बाकायदे व्यवस्थित किया गया है, आप खरीद सकते हैं थोक में भी। और उनके पिताजी हैं, और ये वही मशीन है यही मशीन है, इसे चला के जिसमें इसमें छत्ते डाल देंगे। रफ निकल जाएगा। क्या क्या तरीका है बताइए? अच्छा, इसको तब बंद कर देंगे, हाँ, कोई ये इसे पूरा मरने का नेट, चांस नहीं होता? इसमें नेट लगेगा हाँ और उसी के अंदर जो है इसको घुमाएं, नहीं तो मक्खियाँ जो महक से उसमें खाने के लिए जाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, जाली पूरा लगा के ये तो काफी कटाएगा। पैसे का आया होगा, बहुत महंगा लग रहा है नहीं नहीं प्रोडक्ट, बहुत महंगा नहीं है, ये करीबन 7,000 8,000 का आता तो है। मतलब इसी से आप हाँ बच्चों पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मधुमक्खी पालन केंद्र हमारे हरदुआ गांव में, और अब माता जी हैं, आप बोर्ड पीछे देख रहे हैं, तो माता जी जो नरेंद्र मौर्या जी काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कभी आपको मधुमक्खी कोई काटा नहीं, नहीं, तो ठीक है। अब शुरुआत में अच्छा, गांव जब लगाए होंगे तो बहुत लोग देखने आते हैं ना। हाँ अच्छा, हाँ, कि अभी क्या तो क्या लोग देखने काम आते है हैं। भाई? शुरुआत शुरुआत जब किए होंगे हाँ बहुत लोग आएंगे, हाँ क्या अभी काम है, क्या हाँ होता है ना, हाँ बहुत लोग कहें, ये भी कहेंगे फालतू काम ना। अरे कहने वाले तो अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। आ बेटा, और आ जाओ, सीधा खड़ा हो। देखिए ये आपके नात नातिन हैं, ये नात नातिन हमको पहचान लिए बहुत पहले, दोस्तों बता दें कि ये बालक पहचान गए, क्या है बच्चे पहचान जाते हैं। और कहाँ पढ़ते बेटा? आदि मॉरियल पब्लिक स्कूल, एक बार और बताओ। आदि मॉरियल पब्लिक स्कूल, आरडी मेमोरियल ना पब्लिक स्कूल, कहाँ पे है? मछली शहर में। किस क्लास पढ़ते हो? LKGB। LKG भी, और तुम किस में पढ़ती हो? UKGA। क्या नाम तुम्हारा? सृष्टि मौर्या। पापा का नाम? नरेंद्र कुमार मौर्या। श्री लगा बोलो। और दादा का नाम? समर
अमरजीत मौर्या। अरे वाह, वेरी गुड। दोस्तों आपने देखा कि ये जो बच्चे हैं पढ़ते भी हैं मछली शहर में, और बच्चों की दादी हैं, और नरेंद्र भाई से बात कर चुके हैं कि जिनको भी शहर की जरूरत पड़े या और कोई जानकारी चाहिए तो नंबर अभी आपने सुना, नंबर बताएं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जौनपुर जिले के सिकरारा ब्लॉक के अंतर्गत समाजगंज के पास एक हरदो गाँव पड़ता है। आज सभी का हमारे चैनल पंचदीप मौर्या पे बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।